गोगांव थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर शोरूम के सेल्स मैनेजर और मैकेनिक के साथ दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस लूट को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड खुद कंपनी का मैकेनिक ही निकला, जो मामले में फरियादी बन पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने मैकेनिक के साथ ही चार सहयोगियों को गिरफ्तार कर लूट की 1,47,000 रुपए की रकम बरामद की है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया, 26 मई को बिस्टान रोड स्थित जॉन डियर कंपनी के शोरूम के सेल्स मैनेजर व मैकेनिक के साथ ग्राम टेमरनी के पास रोड पर दिन के 1 बजे के आसपास दो मोटरसाइकिल से आए चार आरोपियों द्वारा मारपीट कर 2 लाख रुपए लूट लिए थे व मौके से भाग गए थे। उक्त घटना में घायल सेल्स मैनेजर नितिन वर्मा व मैकेनिक मुजम्मिल पठान से पृथक पृथक विस्तृत जानकारी ली गई। दोनों से पूछताछ में प्राप्त विवरण में विरोधाभास होने पर पुलिस टीम को मैकेनिक मुजम्मिल के हाव भाव संदिग्ध नजर आए। पुलिस शंका पर मैकेनिक मुजम्मिल पठान से घटना के संबंध में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, तो मैकेनिक ने अपने साथियों की मदद से घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी मैकेनिक मुजम्मिल पठान ने बताया कि उसे पता था आज रुपए लेने सेल्स मैनेजर जा रहा है, मैं भी साथ चला गया। उसके बाद मैंने अपने साथी रिजवान, नदीम, शाहिद शेख उर्फ सोनू, अबरार उर्फ अब्बू को पूरी जानकारी दी और लूट करने की योजना बनाई। योजना ग्राम मोरवा से ट्रैक्टर का पेमेंट लेकर वापस लौटते समय बमनाला के आसपास सुनसान रास्ते पर लूटपाट की 8 योजना बनाई गई थी, जिसमें कामयाब भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पिछली 26 तारीख को उस घटना में ये दोनों कर्मचारी गांव में गए थे अपना कस्टमर से पैसा लेने के लिए और 2 लाख रुपए की राशि लेके वापस लौट रहे थे। उस समय दो मोटरसाइकिल में सवार चार लड़कों ने इनको रोका और इनको ओवर पावर करके और इन पर हमला करके और चोट पहुँचा के 2 लाख रुपए की राशि छीनी गई थी। इस पूरी घटना जो काफ़ी संवेदनशील थी, इसमें विशेष टीम बनाई गई, SGO भीकनगांव संजू, IPS प्रोफेशनल मिस्टर आनंद, थाना प्रभारी गोगांव, हमारी साइबर की टीम, थाना प्रभारी करही, ये सारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और ये ऑपरेशन 36 इन्होंने संचालित किया और 36 घंटे के अंदर ही नक्शे और वारदात का खुलासा किया है। बल्कि इसमें लूटी गई बड़ी राशि जो 1,47,000 की है तो बरामद कर ली गई है, शेष राशि को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो फैक्ट सामने आए उसमें जो घटना में मैनेजर के साथ जो व्यक्ति था जो वहाँ का एम्प्लॉय भी है वो इस घटना का मुख्य सूत्रधार है। उसको जानकारी थी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम को कैश लेके वापस आएंगे, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई और योजना के तहत जब ये कैश वापस लेके लौट रहे थे तो दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लड़के जो उसके दोस्त ही थे, परिचित भी थे, उन्होंने ओवर पावर करके ये लूटी घटना कारित की है। तो FIR का जो फरियादी मुजम्मिल है वो केस में अब आरोपी बन चुका है, बाकी के 4 आरोपी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, वो हो चुके हैं, उससे पुलिस रिमांड लेके बाकी की जो सीजर है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। बाकी की सिर्फ 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए, बाकी के उनमें कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है सर? अभी 1 आरोपी जो अकबर है उसका 2015-16 के जो क्रिमिनल वायलेंस की घटनाएं हुई थी उसमें आरोपी है, बाकी 3 के रिकॉर्ड की छानबीन कर रहे हैं किस प्रकार से आपस में कनेक्टेड थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक चुनौती के रूप में देखा गया था, पुलिस टीम को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा? ये बहुत ही सफल ऑपरेशन है, बहुत ही टैक्टिकली किया है, पूरी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट इसमें लगे हैं, जैसे सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है, पूरी टीम जो हमारे साथ में सम्मिलित रही है, सभी को नगर परिणाम से पुरस्कृत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।